हम सभी फाइट फैंस के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट आ गई है जिसके अंदर हमें मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक रीमैच होने वाला है। यूएफसी 290 के अंदर टोनी फर्गसन और केविन ली की फाइट होने वाली है। यानी टोनी फर्गसन, जो कि एक टाइम पर हबीब के कट्टर दुश्मन थे और समझा जा रहा था कि ये हबीब को हरा भी सकते हैं, तो ऐसे में एल कुकुई टोनी फर्गसन दोबारा से हमें रिंग के अंदर दिखाई देंगे। अब कई लोगों का मानना ये है कि टोनी फर्गसन अब दोबारा से जो है वापसी नहीं कर सकते, लेकिन इनकी फाइट होगी केविन ली के खिलाफ। केविन ली भी कोई विनिंग स्ट्रीक पर नहीं है, यूएफसी ने इनको कट कर दिया था। उसके बाद ये हबीब के प्रमोशन में फाइट करने लगे ईगल एफसी में, वहां पर इन्होंने डिएगो सैंचेज को हराया। अब इन्होंने वापस में यूएफसी के अंदर एंट्री ले ली। अब इन दोनों की जो फाइट हुई थी वो 2017 में 8 अक्टूबर को हुई थी, UFC 216 में, UFC 216 में, और वहां पर थर्ड राउंड में टोनी फर्गसन ने सबमिशन से हरा दिया था किसको, केविन ली को। और वो जो फाइट थी वो इंटरिम चैंपियनशिप के लिए थी, यानी कि इंटरिम लाइटवेट टाइटल के लिए थी, जहां पर इंटरिम लाइटवेट चैंपियन बन गए थे टोनी फर्गसन केविन ली को हराकर। अब दोबारा से 6 साल के बाद ये फाइट फिक्स हुई है, 6-7 साल हो गए इस फाइट को हुए, तो ऐसे में क्या केविन ली टोनी फर्गसन को हरा पाएंगे, जो एकदम से हमें वॉश आउट दिखाई दे रहे हैं, जो जस्टिन गेची से हारने के बाद इतनी ज्यादा जो है इन्होंने डैमेज ले ली उस फाइट में, कि लगातार ये फिर हारते चले गए। इनकी विन स्ट्रीक थी, उसके टूटने के बाद ये चार्ल्स ओलिवेरा से हारे, गेची से हारने के बाद, उसके बाद बनील डारियूस से, फिर उसके बाद चैंडलर से नॉकआउट होने के बाद इन्होंने शॉर्ट टाइम के अंदर 170 के अंदर मूव अप करके फाइट जो है एक्सेप्ट की लीच के साथ, लेकिन लीच के साथ इनकी फाइट ना होकर नेट डियाज के साथ फाइट हुई। और उसमें सोचा जा रहा था कि आखिरकार टोनी फर्गसन विन ले लेंगे इस फाइट में, लेकिन नेट डियाज से भी ये सबमिशन से हार गए। तो इनकी फाइट्स जो हैं वो एक्साइटिंग तो होती है, फैंस वेट कर रहे हैं कि कब ये जीते। अब 170 के अंदर ये फाइट होगी वेल्टर वेट के अंदर, और UFC 290 के अंदर ये फाइट होगी। 8 जुलाई 2023 को जो है ये फाइट होगी, 8 अक्टूबर को पहली फाइट हुई थी, 8 जुलाई को अब ये सेकंड फाइट होगी रीमैच। इस फाइट के अंदर केविन ली क्या टोनी फर्गसन को हराकर एक बार फिर से लाइमलाइट में आ जाएंगे, या टोनी फर्गसन केविन ली को हराकर फिर दोबारा से विन स्ट्रीक को अपनी जारी रखेंगे जैसे वो पहले विन स्ट्रीक पर थे, लेकिन ऐसा होना मुझे मुश्किल लग रहा है। ये फाइट दोनों फाइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर केविन ली हार गए तो मुझे पता है कि यूएफसी इनको दोबारा कट कर देगी, अगर यहाँ पर टोनी फर्गसन हार गए तो इतनी लंबी इनकी लूजिंग स्ट्रीक हो जाएगी कि फिर टोनी को रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। तो दिस इज द मेक एंड ब्रेक फाइट फॉर टोनी फर्गसन। ऐसे में मैं टोनी फर्गसन को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, ही इज वन विन अवे। मेंटल स्टेट अगर विन की इनकी आ गई, यानी कि एक बार इनको विन मिल गई तो इनकी मेंटल स्टेट दोबारा से वही आ जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि ये मूव अप करने के बाद 155 से 170 में क्या पुराने वाले टोनी फर्गसन हमें दिखाई देते हैं, या फिर हमें वॉश्ड अप थकेले टोनी फर्गसन दिखाई देते हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा केविन ली का पूरा करियर, क्योंकि केविन ली को पहली बार हराकर टोनी फर्गसन ने टाइटल जीता था, अब दूसरी बार हराकर क्या केविन ली को ये दोबारा से यूएफसी से कट करवा पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। इस फाइट की टेक्निकल एनालिसिस हम काफी जल्दी करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस फाइट के अंदर आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है और क्यों। ठीक है, टेक केयर। यूएफसी हॉट वॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस फाइट। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा और कैसे, कमेंट करके बताइए। टेक केयर।